किसान भाइयों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, आज मैं बात करूंगा नींबू की हस्तबहार, जो इसका भाग दो है। किसान भाइयों, आपको याद होगा नावेद भाई ने लिखा था कि सितंबर, जो हमारा सितंबर महीना है, उसके पहले सप्ताह में हमें नींबू में पानी देना बंद कर चुके। लेकिन आप सब जानते हैं कि अधिकतर भागों में, देश के अधिकतर भागों में और विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत बारिश हुई। वहाँ पर जो कार्य करने थे वो नहीं हो सके, लेकिन मेरे गांव में ये बारिश पिछले एक सवा महीने से नहीं हुई। शायद इसलिए कि अमेजिंग किसान को भगवान ने ये मौका दिया है कि आप लोगों को ये दिखाएं कि हस्तबहार की तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं, जो नावेद मुझे नहीं मालूम। मैंने 1 तारीख को पानी बंद कर दिया था और इस खेत में निराई गुड़ाई कर दी थी जहां मैं खड़ा। आप देखिए, मैंने आपको दिखाया था जो अमेजिंग किसान ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसमें दिखाया भी था कि पानी कैसे है, और मैं अभी भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, निराई गुड़ाई करने के बाद अब जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो निराई गुड़ाई करने के बाद फ्लड से किस प्रकार मैंने पानी दिया था और कैसा लग रहा। ये कार्य मैंने जो फ्लड दिया था वो मैंने बुधवार को किया था, जो अभी बुधवार गया है। आज बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, आज 4 दिन हो चुके हैं, कल 5 दिन हो जाएंगे और परसों मैं इसमें फिर फ्लड से पानी दूंगा और एक और फिर 5 दिन बाद पानी दूंगा। अब मैंने इसमें क्या कार्य किए थे, खाद की मात्रा मैंने पानी देने से 3-4 दिन पहले उसी इतनी ही मात्रा दी थी जितनी की मैंने पहली वीडियो में बताई। पौधे के चारों ओर अच्छी तरह गुड़ाई कराई। वहां पर मैंने जो मेरे, चूंकि ये 15-16 महीने के पेड़ हैं अब जो है, और जितनी मात्रा नावेद भाई ने बताई थी उसकी आधी मात्रा मैंने इनमें लगाई। मैंने इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक स्प्रे जरूर करा दिया था ताकि पौधे पर कोई, मुझे कुछ पौधों पर कैंकर की प्रॉब्लम नजर आई थी तो मैंने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करा दिया। अब आप देखिए, ये पौधा है, ये बुधवार को हमने पानी लगाया था और इसमें ये देखिए पत्तियां कितनी अच्छी निकल रही हैं। ये देखिए, ये पत्तियां ये सब जो निकली हैं ये सिर्फ 5 दिन का कमाल है। मुझे नावेद भाई ने बताया था कि त्यागी जी, अब आप 10 दिन बाद देखिए पौधा, देखिए कितनी खूबसूरत पत्तियां निकली, ये सब उसकी कमाल है, ये पानी देने के बाद का कमाल है। ये देखिए, इसमें देखिए किसान भाइयों, ये मेरा लेमन के पेड़ है जो पहले आपने देखा था, जरा इधर को दिखाइए। इसमें हर 5 फीट पर लेमन था, लेकिन एक पेड़ जो यहां पर था, दूसरा पेड़ यहां पर था, ये मैंने दोनों कटवा दिए। ये देखिए, ये कटवा दिए और अब मैंने 15 फीट की दूरी कर दी। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ही दिनों में, मतलब कुछ महीनों में ये दोनों पेड़ मिल जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी पत्तियां निकल रही। लेकिन इसमें एक रोग है, ये देखिए, ये जो रोग है ये लीफ माइनर है और इसकी मैं अब इसमें दवाई लगाऊंगा। ये लीफ माइनर है, ये देखिए अंदर को कितना साफ चमक रहा है ये लीफ माइनर। ये देखिए, ये कीड़ा अंदर ही अंदर जो है ना, लीफ माइनर है। तो ये देखिए, इसके ये लीफ माइनर आ गया, यहाँ पर भी आ गया। ये क्यों आया है, इसकी अब मैं इसमें दवाई लगाऊंगा जो नावेद भाई बताते हैं, और मैं इसको बहुत जल्दी करूंगा, कल परसों ही करूंगा। मैं आपको कुछ नींबू भी दिखाता हूँ, इस पर नींबू आए हुए। ये देखिए, इस पर जो ये फल है, ये थोड़ा सा फूल भी आया हुआ था और मैंने कुछ इस पर रोके, कितना खूबसूरत नींबू है। ये लेमन है, ये लेमन है और मुझे थाई सीडलेस लेमन कहकर दिया था। ये देखिए कितना गोल, कितना बढ़िया नींबू है। इसी तरह से कुछ और पेड़ों पर 4-4, 5-5 गुच्छों में लगे हुए हैं। अब ये देखते हैं कि क्या 1.5 वर्ष के पौधों पर हस्तबहार इस प्रकार हम ले सकते हैं। बहुत ज्यादा आशावादी नहीं हूं, लेकिन मुझे जैन साहब की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि त्यागी जी, आप कुछ थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करते रहिए, प्रयोग भी करिए। अगर आपके पास 1,000 पौधे हैं तो आप 100 पौधों पर कुछ एक्सपेरिमेंट भी करिए, और मैं करता भी रहता। तो मैंने ये निश्चय किया है कि ये हस्तबहार का जो प्रयोग है मैं करूंगा। और ये देखिए, ये मेरा नींबू का पौधा है, ये शायद आप इसे कहते हैं ये पाकिस्तानी नींबू है। ये भी पौधा उतना ही बड़ा, देखिए कितने गुच्छों में आई हुई है इस पर। ये मेरे पास 6-7 पेड़ हैं, ये देखिए कितने गुच्छों में आई हुई है।
किसान भाइयों, नींबू की मेरे पास कई वैरायटी है और मुझे भी एक्चुअली नहीं पता है कि ये कौन सी वैरायटी है। इसका मुझे पता है ये पाकिस्तानी वैरायटी है। एक मैं और वैरायटी आपको दिखाता हूँ, उधर चलो वहां से। अच्छा, इस पौधे को देखिए, ये बड़े ध्यान से देखिए इसको। ये पौधे के पत्ते बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इस पौधे के पत्ते जो ये आप देखोगे ये बिल्कुल अलग है। ये देखिए, इस पौधे के पत्ते ये बीच वाले से मिलते हैं, ये मिलते हैं। तो मेरे अनुसार मेरे बाग में एक पाकिस्तानी नींबू है, और इसको जो है, जो मुझे कुछ लोगों ने बताया है जो नींबू की अच्छी जानकारी रखते हैं, कि जी ये जो है ना आपका ये बारहमासी नींबू है, जो कागजी नींबू है, क्योंकि ये मैंने कलकत्ता से मंगाया था। लेकिन इसमें कुछ पौधे देखिए, ये दोनों पौधों को ध्यान से देखिए, इस पौधे को और इस पौधे, इस वाले पौधे को देखिए और इसकी पत्ती को देखिए, ये बिल्कुल अलग। तो किसान भाइयों, जो मैंने हस्त बहार की तैयारी की थी बिल्कुल उसी प्रकार जैसे नावेद भाई ने बताया था, मैं एक बार फिर आपको दिखा रहा हूं कि मैंने इसमें निराई गुड़ाई कराकर मैंने इसमें ड्रिप, ये देखिए मेरी ड्रिप लगी हुई है यहाँ पर, ये देखिए ड्रिप, मैंने ड्रिप बंद करा दी थी, मैंने ड्रिप से नहीं पानी दिया। उन्होंने कहा था फ्लड इरीगेशन होना चाहिए, तो मैंने ड्रिप इनकी, ये एरिया देखिए, इसको मैंने बिल्कुल अलग कराया हुआ है। तो ये जो लाइन है दो मेरी नींबू की, तो इसमें मैंने फ्लड से पानी दिया था, जिस प्रकार मैंने आपको दिखाया। आज इसमें चलने के लायक हो गया है ये, और मैं इसमें परसों फिर पानी लगाऊंगा, और उसके 5 दिन बाद फिर पानी लगाऊंगा, और उसके बाद मैं फिर इसमें निराई गुड़ाई करूंगा। किसान भाइयों, नींबू की बहुत अधिक पसंद की जाती है, लेकिन नींबू मेरे पास कम है और मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जो भी ग्रुप में साझा होता है और जो ग्रुप में नावेद भाई बताते हैं, ये सब उनकी बताई हुई वो है। कुछ जैन साहब ने पहले बताया था, और जब से नावेद भाई आए हैं तब से तो मतलब नींबू ऐसे दौड़ रहे हैं। मुझे ये देखिए, कारण सिर्फ न मुझे खाद का पता था, मैं सिर्फ इसमें गोबर का खाद डाल देता था, उसके बाद भूल जाता था। सरसों लगाई थी किसान भाइयों, नींबू के खेत में सरसों कभी मत लगाइए। अगर आपने उसी साल पौधा रोपण किया है तो सरसों मत लगाइए, सरसों ने मेरे नींबू तोड़ दिए थे। कोई भी चीज ऐसी लगाइए जो पौधों से छोटी रहे, पौधों को संपूर्ण हवा मिले और अच्छी तरह उनको जो है ना उनकी देख रहे हो। तो किसान भाइयों, मेरे पास जितनी भी लोगों ने कहा कि सर उसका हस्त बाहर का क्या हुआ, ये थी मेरी हस्त बहार का, नींबू की हस्त बहार का भाग दो। किस प्रकार मैंने पानी दिया है, किस प्रकार गुड़ाई करी है, मैंने सब बताया है आपको। जो पहले भाग में बताया था वो काम मैंने किए हैं, और आज ये दिखाया है कि इन कामों के करने के बाद बाग में आपके क्या क्या चेंजेस आते हैं। मुझे रोज इसमें फर्क नजर आता है। अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अपने बाग में रोज आता हूँ, तो मुझे पत्ते रोज नए निकले हुए दिखाई दे। आज मुझे ये कुछ पत्तों में, जो सभी में नहीं है, देखिए इस पेड़ पर नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं, इस पेड़ के पत्ते बिल्कुल साफ हैं, ये किसी भी पत्ते में लीफ माइनर नहीं है। लेकिन अगर आप इस पेड़ में देखेंगे तो इस पेड़ में ये लीफ माइनर है, जो पुराने पत्ते, ये देखिए लीफ माइनर। तो आज मैं उनसे बात करूंगा भाई से, और इसमें क्या इमिडा का करना है या जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बताते हैं उसका स्प्रे करना है, ताकि ये खत्म हो जाए करने के लिए। किसान भाइयों, ये थी नींबू की हस्त बहार का भाग दो। भाग तीन, जब इस पर फूल आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका क्या परिणाम हुआ, तब मैं इसका भाग तीन लेकर आऊंगा। किसान भाइयों, एक बात मैं और फिर बताना चाहता हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप बंद हो चुका है। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मुझे मैसेज, सिर्फ कोई अगर फोटो जो किसान नहीं जुड़ा अभी तक टेलीग्राम से, कोई भेजना है तो भेजिए, लेकिन व्हाट्सएप पर मुझे नहीं भेजिए। किसान भाइयों, एक बात मैं और आपसे विनती करना चाहूँगा, बहुत सारे किसान सुबह गुड मॉर्निंग, कोई धार्मिक विचार,
या धार्मिक अनुष्ठान इस तरह के मैसेज भेजते रहते हैं। मेरी विनती है किसी भी किसी को मानना, भगवान को मानना न मानना, हर धर्म का अपना ये आदमी का व्यक्तिगत मामला, कृपया मुझे ये न, मेरे से सिर्फ खेती की बात करें जो कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इतने मैसेज आते हैं मैं उन्हें सब खोल कर देता हूँ, किसी में कोई विचार है, किसी ने आपको पॉलिटिकल मैसेज भेज दिया है, किसी ने आपको धार्मिक अनुष्ठान का भेज दिया है, किसी ने कुछ भेज दिया, मैं इन चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ बागवानी ही खाना है मेरा, बागवानी ही मेरा पीना है, बागवानी मेरा सोना है, बागवानी ही मेरा पहनना है। आप इसमें करिए, सबका अपना व्यक्तिगत मामला है, सब स्वतंत्र है, कृपया न ले। कुछ भाई क्या करते हैं कि मेरे को व्हाट्सएप पर हाय भाई, तुम हाय की बजाय नमस्ते भी लिख सकते हो, हाय कह के मुझे ये समझ में नहीं आता मैं उसे क्या करूँ, लेकिन मुझे खोल कर देखना पड़ता है। मेरी विनती है अपने काम में लगिए और इस चीज़ का फायदा उठाइए, कुछ सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, इससे हमारा भी भला होगा और देश का भी भला होगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।